आरके म्यूजिक एकेडमी का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर खान। आज आपको मैं लेसन 5 बताऊंगा। तो अगर आप आरके म्यूजिक एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किए हों तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो मैंने आपको लेसन 4 में कहरवा बताया था, तो आज मैं आपको कहरवा का एडिट बताने जा रहा हूँ कि कौन सा पैच मैं कहाँ कहाँ पर यूज़ किया हूँ, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर लगाया हूँ। तो उससे पहले गाइस, मैं एक न्यू सॉन्ग जो अभी चल रहा, बहुत फेमस हो गया है, उस पर भी यही कहरवा का पैच ही बजेगा। तो गाइस रेडी हो जाइए, वो गाना मैं गाता हूँ अब बजाता हूँ। तो रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। तेरी आँखा का यो काजल, डंग 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 डंग, तेरी आँखा का यो काजल, रंग करे रंग घायल, मैं कर लूँ पहल तो नर, ना 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 करके बताता हूँ। तो जैसा आप, क्या आरके म्यूजिक एकेडमी का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या आप जानते हैं ये एडिट बटन, में पहले आप एडिट बटन टिपेंगे, क्लिक करेंगे, बैंक ए बीप कर रहा। देखिए बैंक ए, आपको पहले मैंने बता चुका हूँ कि बैंक ए है बी है, ये पैच में बैंक ए होता है और बी होता है। इसमें दो, एक पैच में दो इंस्ट्रूमेंट लगता है, एक घाट में 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ घर है, इसमें दो दो पैच लगता है। तो गाइस रेडी हो जाइए, मैं आपको काउंट से बताता हूँ। ठीक है गाइस, तो गाइस पहले मैं नीचे से लेता हूँ। ओके, नीचे से मैं ऊपर आऊँगा। ठीक है, नीचे से मैं, आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं इसको एक 1 बोलता हूँ, इसे 2 बोलता हूँ, इसे 3 बोलता हूँ, इसे 4 बोलता हूँ, इसे 5 बोलता हूँ, इसे 6 बोलता हूँ, इसे 7, इसे 8। ओके, तो फिर से मैं एक बार बताता हूँ, नीचे से मैं आता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे से लेफ्ट साइड से 1 है। ओके ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले मैं 1 में आऊँगा। 1 में पहले कभी भी पैच बनाने से पहले, जिस में पैच बना रहे हो आप, उसको पहले थ्रो करना है, टच करना है। एक बार टच कर लिए तो टच में आप क्या करेंगे, बैंक ए में, बैंक ए में मैंने क्या लगाया हुआ है, गौर से देखिए, स्मॉल H28, आप देख सकते हैं H28 मैंने इसमें यूज़ किया हूँ। सेकंड नंबर, दो नंबर में मैं पैच में आता हूँ, जैसा देखिए ये 1 हो गया तो ये 2 हो गया। 2 में मैंने क्या यूज़ किया है, बैंक ए में है कॉन्गो, कॉन्गो क्या है, L11, क्या है, कॉन्गो L11। नेक्स्ट मैं आता हूँ 3 में मैं आता हूँ, बैंक ए में क्या है 3 में, कैपिटल H11। ठीक है, कैपिटल H11। मैं आपको नीचे से 4 में आता हूँ, 4 में देखिए मैंने बेस लगाया हुआ यहाँ पे B47 किक, B47। गाइस ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी नीचे का बताया हूँ, मैं अब आता हूँ ऊपर। ठीक है गाइस, तो आपको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैंने बैंक ए का भी बताया हूँ, नीचे का बताया हूँ, अब बैंक बी का बता रहा हूँ मैं एक बार ऊपर का। ठीक है, अब ऊपर में आएंगे क्या है, मैं इसे पाँच नंबर बोलता हूँ, आपको बता चुका हूँ। 5 नंबर में क्या मैंने लगाया है, 5 में मैंने लगाया T21। क्या लगाया हूँ मैं, टॉम लगाया हूँ T21। देखिए T21 कभी भी याद रखिएगा गाइस, जब भी कोई भी पैच बजा रहे उसी को थ्रो करना है। जैसे इसमें थ्रो किया मैंने, तो इसका देखिए यहाँ पे सेम दे रहा है कि T21। नेक्स्ट मैं आ रहा हूँ 6 नंबर में क्या है, इसको थ्रो करता हूँ तो देखिए C02। आपका 6 नंबर में मैंने लगाया हूँ C02। नेक्स्ट मैं आता हूँ 7 नंबर में, पहले से थ्रो करना है। 7 नंबर में देखिए मैंने L11 लगाया हूँ, L11, जो हिंदी समझते हैं वो मेरा हिंदी बोल में देखेंगे 11, और जो इंग्लिश समझते हैं वो L11 देखेंगे। ओके,
तो नेक्स्ट मैं आता हूँ आठवां नंबर में, एट में आता हूँ, देखेंगे इसमें लगा हुआ मैं B47 बैंक ए का। गाइस भूले नहीं, मैं बैंक ए का बता रहा, इसमें क्या मैंने लगाया हुआ आठवां नंबर में B47 किक है, B47। तो गाइस मैंने अभी बैंक ए का आपको बता चुका हूँ सारा। गाइस अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो मैं एक बार फिर बताता हूँ। तो मैंने वन में क्या यूज़ किया है, स्मॉल 20H28 ओके। दो नंबर में मैंने यूज़ किया है L11। तीन नंबर में मैंने यूज़ किया है कैपिटल एच, मतलब बड़ा एच 11। चौथा नंबर में मैंने यूज़ किया है B47। पाँचवा में यूज़ किया है मैंने टॉम T21। छः नंबर में मैंने यूज़ किया C02। मैंने सातवा नंबर पे यूज़ किया L11। आठवां में मैंने यूज़ किया B47। तो गाइस मैंने बैंक ए का बताया। अब बैंक बी में जाने का तरीका देखिए, यहाँ पे है बैंक ए भी बना हुआ है, इसे प्रेस करता हूँ बैंक बी जाने के लिए। देखिए अब बैंक बी में बीप होने लगा, ये देख रहे हैं आप, बैंक बी में अब हम आ गए हैं। बैंक बी में आप इंस्ट्रूमेंट में आएंगे, इसमें मैंने ऑफ रखा हुआ है तो आप भी ऑफ रख लीजिएगा वन में। या बता देता हूँ मैं फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 गाइस। तो मैं नीचे से आ रहा हूँ लेफ्ट साइड से, नीचे से मैं आ रहा हूँ लेफ्ट साइड से, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बैंक बी का मैं बता रहा हूँ, बैंक बी में वन में मैं लगाया ऑफ किया हुआ हूँ। आप कुछ भी लगा सकते हैं अगर मनपसंद, अगर आपको अपना थिंकिंग में कुछ लगा, घुंघरू का आवाज़ लग रहा तो आप लगा सकते हैं, घुंघरू का आप L27 में लगा सकते हैं। ओके मैं ऑफ रखा हूँ। नेक्स्ट आता हूँ मैं दो नंबर पे, दो नंबर पे क्या मैंने लगाया हुआ एच, छोटा वाला एच है ठीक है, स्मॉल H26 ठीक है। नेक्स्ट तीन नंबर में मैं आता हूँ बी बैंक में, मैं बता रहा हूँ भूलेंगे दोस्तों बी बैंक का, मैं तीसरा नंबर बता रहा हूँ कैपिटल H11, कैपिटल H11 मतलब बड़ा H11। चौथा नंबर में मैं लगाया हूँ स्मॉल H27, क्या मैं लगाया हूँ चौथा नंबर में स्मॉल H27 मतलब छोटा H27। मैं पाँचवा में आता हूँ, पाँचवा में मैंने लगाया हुआ T21 ही लगाया हुआ हूँ। तो आप देख सकते हैं अगर इसमें चाहेंगे आप T21 के जगह में आप L27 भी लगा सकते हैं, वो घुंघरू का आवाज़ है, भूलें दोस्तों। अगर इसमें आपको अलग लगाना है तो T21 के जगह में आप L27 भी लगा सकते हैं। ओके गाइस L27 भूले नहीं। नेक्स्ट आता हूँ मैं छः नंबर में मैं देखिए आप बेस लगाया हुआ B47 जैस था इसमें, ए में अब बी में मैं लगा के रखा हूँ B47। इसे क्या होता है कि बेस और जैस का आवाज़ एक साथ आता है। ओके गाइस नेक्स्ट आता हूँ मैं सात नंबर में, सेवन पैच में, देखिए मैंने इसमें छोटा एच 28 लगाया हूँ, स्मॉल एच है 28। नेक्स्ट मैं आता हूँ आठवां में A15, क्लैप का आवाज़ है A15। गाइस आप भूलेंगे नहीं, ये मैं बैंक बी का बता रहा हूँ। आठ नंबर में मैं लगाया हूँ A15 मतलब A15 ठीक है गाइस। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे इसमें, अब हम चलते हैं बैंक ए में, बैंक ए में चले गए। बैंक ए में इंस्ट्रूमेंटल का आप देखेंगे साउंड्स वगैरह, इंस्ट्रूमेंटल में अब मैं आता हूँ, इससे देखिए देखिए नीचे ऊपर होता है, ये देखिए लाइट आपको दिखता होगा, लाइट नीचे ऊपर हो रहा है ठीक है। इससे होता है चेंजेस होता है, लेवल वगैरह साउंड्स वगैरह सब इसी में है। इससे देखिए इससे ऊपर नीचे होता है, ये ऊपर होता है ये नीचे होता है। तो आप इंस्ट्रूमेंटल में आ गए, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं नीचे लेवल, लेवल साउंड्स वगैरह, जैसे आपको 15 रखना, साउंड किस हिसाब से आप बजा रहे हैं, लेवल आपको किस में रखना हो, तो अधिकतर आप क्या कीजिएगा सारे में एक ही लेवल रखिए ठीक है। 15 रखिए या 13 रखिए, मैं 13 रखा हूँ, किसी में 15 रखा हूँ जिसमें अभी साउंड आपको। तो मेरा राय से आप सारे में 15 रखिए, 15 बैंक ए में। फिर वही सेम करेंगे बैंक, यहाँ से चेंज होगा बैंक बी, बैंक बी का देखिए लेवल आप बैंक बी में यहाँ आ गए, बैंक बी का भी लेवल यही करेंगे, सेम कर देंगे आप 15 सारे का 15 कर देना है, 15 सारे का हो जाएगा। नेक्स्ट फिर पहले हम लोग बैंक ए में आएंगे, बैंक ए में आने के बाद पैच या कोरल दिया हुआ है, सुर मिलाने का तरीका होता है। बहुत कोई लोग पूछ रहे कि भाई सुर क्या होता है, पैच स्केल मिलाना क्या होता है। स्केल मिलाना ये होता है भाई साहब कि जैसे आप कोई भी गाना गा रहे हैं तो कोई भी गाना एक स्केल पे गाया जाता है ठीक है। तो स्केल पे कोई भी सिंगर अगर बोल दिया कि मैं हाफ नोट लेता हूँ या शार्प में जाता हूँ, तो उसको हिसाब से उसको सा रे गामा पा धा नीसा होता है ठीक है। उस हिसाब से आपको सुर मिलाना पड़ता है, वो स्केल आपको ऑर्गेन या हारमोनियम से मिल जाएगा ठीक है। और आपको अगर डाउट होता है तो आपको गिटार क्लास में इसका लेसन्स आपको देख सकते हैं, इसी चैनल में गिटार क्लास भी चलता है तो उसमें आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं
थोड़ा सा आप मिला लिए अपने स्केल के हिसाब से, मैंने एक स्केल एक रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डीले में। डीले वाह बहुत अच्छा चीज़ है डीले। डीले अगर आप बढ़िया से अच्छा रखेंगे 31 मैं सब में रखता हूँ, क्योंकि भरा भरा मुझे पसंद है। मुझे लगता है कि हाँ कुछ डेप्थ जो डेप्थ आप बोल रहे हैं जैसे डेप्थ चाहिए वैसा मिलता है, बढ़िया डेप्थ मिलता है। 31 जैसा डेप्थ आप अनुसार से आप रख सकते हैं, 31 रखिए, 20 रखिए, 15 रखिए, जिस हिसाब से आपको लेवल रखना है, जहाँ पे जो रखना है आप रख सकते हैं। सेम बी बैंक बी में भी वही कर सकते हैं। तो आप बैंक में नीचे आएंगे, नीचे आएंगे सेंटर साउंड। देखिए ये लेफ्ट राइट होता है, आप जिसको जानते हैं लेफ्ट राइट समझते होंगे कि लेफ्ट आप साउंड होगा। हेडफोन अगर लगाते हैं यूज़ करते हैं तो उसमें लेफ्ट साउंड कभी आता है कभी राइट साउंड आता है, तो इसमें आप हम सेंटर रखे हुए, तो इसके साउंड के लिए वजह से मैं सेंटर रखता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोग्राम्स वगैरह जो चलता है स्टेज पे, इसलिए मैं सेंटर। आप राइट लेफ्ट भी रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसका मतलब आपको हम समझा देते हैं। ये सिंपल है, ये EXP3 जो मैं लगाया हूँ, ठीक है। EXP3 का मतलब क्या होगा, मैं सोलो मारूंगा तो सोलो बजेगा, जिस हिसाब से मैं मारूंगा सोलो मारूंगा, देखिए सोलो बज रहा, जोर से मारता हूँ तो मैं जोर से बजता है, ठीक है। अगर बहुत को यूज़ करते हैं सॉफ्ट में बजेगा, सब तरह का हार्ड दिया हार्ड बजेगा, धीरे बजेगा, ठीक है, हर तरह का दिया हुआ। इसमें काउंट में दिया कि इसमें आप जोर से ही मारना होगा, धीरे बजेगा। अब अभी बज जा रहा क्योंकि इसमें क्यूब में बज रहा, स्टेज पर नहीं बजता है। ओके गाइस, तो मैं इसमें EX3 लगा के रखा हूँ, ठीक है। तो EX3 लगा के रखा हूँ, आप भी क्या कीजिएगा, EX4 सारे में EX4 लगा दीजिएगा। मैं EX3 लगाया हूँ, EXP4 आप लगा दीजिएगा, EXP4 लगा दीजिए सारे में EXP4 लगा दीजिए। नेक्स्ट सेम करेंगे, बैंक बी में जाएंगे, बैंक बी में चले जाने के बाद सेम वही करना है, EXP4 या EXP3 जैसा लगाना आपका इच्छा लगा सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे आप, इसमें भी डिले का काम करता है। इसमें आप इसमें क्या करना चाहेंगे, आप कुछ भी दीजिए, 8 से 1 से लेकर 15 तक रहता है, जितना आपको लगे इच्छा अनुसार साउंड किस हिसाब से आप बजा रहे हैं, बड़ा बॉक्स में बजा रहे हैं या छोटा बॉक्स में बजा रहे हैं या बड़ा हॉल में प्रोग्राम कर रहे हैं, उस अंदाज से अपना डिले इसमें खोल लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस आप जैसा देख लिए, यहाँ पे मैंने पैच का तरीका बता दिया हूँ, एडिट से हटता हूँ। अब यहाँ पे जो दिया है देखिए रिबब, मैं रिबब में रखा हूँ, डिले में नहीं रखा हूँ, इस पैच को मैं रिबब में रखा हूँ। तो गाइस आप इस पैच को रिबब में ही रखिएगा, ये आपको कहरवा का पैच मैं बता रहा था। तो गाइस अगर आपको ये पैच अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो गाइस एक बार मैं फिर से आप एक तरीका आपको बता देता हूँ, ये बजाने का तरीका कैसे था। अगर जो आप लेसन अगर 4 नहीं देखे हो तो लेसन 5 में आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसा कि देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 थोड़ा सा इसको हम स्पीड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और स्पीड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 वाह गाइस, आपको ये कटिंग, हर कटिंग का अलग अलग सॉन्ग में अलग अलग कट होता है, तो मैं ये पे यूज़ करता हूँ, आपको सिंपल कट सिखाया हूँ। कहीं भी आप सुबह सुबह मॉर्निंग में ये कर सकते हैं आप, एक्सरसाइज होता है ये, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आप ये करेंगे कट हो जाएगा, ठीक है। टाइमिंग आप देख सकते हैं, हेडफोन लगा के यूज़ करना, अगर हेडफोन लगा के आप ये टाइमिंग आप बना सकते हैं, जो अगर ये कट देख रहा हो तो ये टाइमिंग आप देख लीजिए। और मैं सोलो बताता हूँ, ओके गाइस। तो अगर आपको ये पैच अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ घंटा बजाना ना भूलें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू गाइस, बाय।